क्वेश्चन नंबर 9 है कि 2x² प्लस e^x का इंटीग्रेशन करके बताइए कितने के बराबर आएगा। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए, तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e^x dx। इसका मतलब कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e^x dx, दोनों का एक ही साथ कर देंगे तो 2 का 2 रहने दीजिए, और x² का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर 1 बढ़ेगा, मैंने 2 प्लस 1 करेंगे 3 हो जाएगा और नीचे 3 लिख देंगे, प्लस e^x का इंटीग्रेशन e^x ही होता है और एक हम लोग कोई कांस्टेंट टर्म सी जोड़ देंगे। इसका मतलब हमारा इंटीग्रेशन आ गया 2/3x³ प्लस e^x प्लस सी, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे।